कल मैं बाबा के दरबार में गई मुझे बहुत खुशी हुआ केव में अलकारा ही नहीं प्रसन्न हूँ पूरा पूर्वांचल के लोग प्रसन्न हैं खुश हैं तब भी मुझे नहीं बिलीव हुआ कि वो नहीं है क्योंकि गोलियां चलना उस समय आम बातें हो गई थी उससे पहले कई बार ऐसी घटना उनके पे हो चुकी थी वहाँ से लोग भागे भागे आए हमारे पास मैंने हमारे गाँव गुणों चिल्लाते रोते गाते कैसी घटना हो गई ऐसी घटना हम लोग भी विश्वास नहीं कि ऐसी घटना हो सकती है बताने लायक तो स्थिति नहीं है न बताने में हमको बहुत कष्ट महसूस होता है कभी भी मुख्तार में इतना दम नहीं था कि पिताजी की हत्या करा सके अकेले दम पे क्योंकि जब तक सरकारी तंत्र नहीं लगता पिताजी की हत्या नहीं हो सकती थी मुख्तार अंसारी के पास जो सबसे बेस्ट हैंड था एक अच्छे शूटरों में तो उसमें संजीव मशहूरी और मुन्ना बजगी का नाम सबसे पहले आता है जिस क्रिकेट के कार्यक्रम को सुनिश्चित तरीके से बनाया गया था और जिस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था वो भी गवाह था दो में ये समझ में आया कि जब ये फैसला विपरीत आया तो ये लगा कि मैंने कहीं ना कहीं फिर दोबारा मर्डर हो गया लेकिन 2002 के बाद ऐसा क्या हो गया कि तीन साल में ही इन लोगों को ये समझ में आया कि नहीं इसकी हत्या करो वरना ये आगे नहीं हो पाएगा वाकई में उनकी चोटियाँ काटी गई थी इस सटा के पॉइंट ब्लैंक हर किसी मृत व्यक्ति के सर पे पांच पांच गोली मार स्पष्ट कर दूं ये लड़ाई केवल ऐसा नहीं है कि मुख्तार के खिलाफ है मुख्तार एक नाम है नमस्ते मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग बनारस आ चुके हैं गाजीपुर से और इस घर में जहाँ पे हम बैठे हैं इस घर का गाज़ीपुर मोहम्मदाबाद के मुख्तार अंसारी परिवार से उस पूरे अंसारी परिवार से एक टेढ़ा सा एक इक्वेशन बनता है इस परिवार के एक व्यक्ति थे वो विधायक थे कृष्णानंद राय उनकी हत्या की गई थी गुडौर गांव में साल 2005 में जब उनकी हत्या हुई तो मुझे याद है बनारस में उस समय बहुत हल्ला हुआ था मार्केट बंद हुआ था और एक पैनिक की सिचुएशन थी उसमें लगभग पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से में हम इस समय कैमरे में जिनसे बात करेंगे थोड़ी देर में वहां पर कैमरे में से दो लोग सामने आएंगे एक होंगी अलका राय जो दिवंगत किशन राय की पत्नी है और किशन राय के बेटे पीयूष राय इन दोनों लोगों के एकाध बयान एकाधिक बयान मुख्तार अंसारी के निधन के बाद सामने आ चुके हैं Uh, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद बयान ये भी आए कि ऊपर वाले ने न्याय किया हमने कई ऐसे परिवारों से भी बात की मुख्तार अंसारी से बात करते समय मुख्तार अंसारी के बारे में बात करते समय जिनके लिए वो परिवार मसीहा है और कई ऐसे परिवार सामने आए जिनके लिए मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के कई सारे लोग आक्रांता माफिया और गैंगस्टर भी हैं सबके अपने अपने इल्ज़ाम हैं हम इल्ज़ामों और इल्ज़ामों के पीछे की कहानी और सच्चाई इस वीडियो में आपते आपके ज़रिए लाने तक लाने की कोशिश करेंगे चलिए बातचीत शुरू करते हैं मैम बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आ, और पीयूष आप से भी आपका भी बहुत शुक्रिया हम लोग थोड़ा सा टू एंड फ्रो बातचीत करेंगे माँ जहाँ नहीं बोल पाएंगी मैं आपकी तरफ मुखातब हूँगा और आप जहाँ नहीं हो मैं माँ मुखातब हूँ मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं अलका जी मुख्तार अंसारी की सूचना 28 मार्च को जब शाम देर शाम आई तो कैसे मिली आपको और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी उस पूरे मौके पे प्लीज इसके बारे में बताएं जी मुझे जो न्याय के द्वारा प्रक्रिया चल रही थी मुख्तार के खिलाफ हम लोग उस पंजाब ऊपर जेल से उनको हम्बादा जेल में अटी कराए थे कि वहाँ क्योंकि सारी उनकी केसें इधर गाजीपुर ही जेल न्यायालय में था तो मेरा ये था कि वो आ करके कम से कम इतना दिन टल रहा है जो केस मुकदमा चल रहा है उसका न्याय होना चाहिए सबको इंतज़ार था कि अब न्याय मिलेगा कल मैं बाबा के दरबार में गई मुझे बहुत खुशी हुआ कि बाबा ने बहुत अच्छा हमको में एक मौका मिला है मैंने खुशी महसूस हुआ है कि ऐसा अपराधी जो धरती का बोझ ऐसे अपराधी का इस पूर्वांचल से अंत हुआ है इस अपराधी के जाने के बाद केवल मैं अलकारा ही नहीं प्रसन्न हूँ पूरा पूर्वांचल के लोग प्रसन्न हैं खुश हैं कि ऐसे अपराधी जो कि आज उसका अंत हो गया है साल 2005 का मैं रुख करना चाहूँगा जब किशन राय की हत्या हुई और मुझे माफ़ करिएगा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सवाल हो सकता है आप लोगों को लोगों के लिए क्योंकि आपके लिए निजी क्षति है लेकिन एक पत्रकार के नाते मुझे पूछना पड़ेगा साल 2005 में उस दिन गुड़ौर गांव में क्या हुआ था घटनाक्रम क्या था किशन राय एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने निकलते हैं और उस दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी अपनी नहीं लेकर जाते हैं उतने उतने सुरक्षा इंतजाम के साथ नहीं जाते हैं एक चूक होती है इसके बाद इस तरह की घटना सामने आती है इस तरह की कहानी हम लोग सुनते आए हैं आप घर में थी आप कहाँ थी क्या हुआ था प्लीज इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए गोड़ाऊर गांव से थोड़े ही दूर पर बसनिया गांव पड़ता है हमको लगता है कि एक दो किलोमीटर होगा क्रिकेट मैच एक साजिश के तरह यह रचा गया था हाँ उस समय की सरकार में वो जो लू डी से कोटवा नारायणपुर वाला रोड है एकदम मैंने आपसे क्या बताया इतना खराब रोड था कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ले जाने लायक ही नहीं थी लेकर जाए क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी बहुत मैंने हाईवी थी उसमें हाँ जी इसलिए वो गाड़ी को नहीं लेके वो अपना ये क्वालिस उस समय थी वही क्वालिस को लेकर के गए और सोचे कि पास में एक दो किलोमीटर अपने घर में मैं हूँ ऐसा नहीं हो सकता है उस समय लगभग ये हमको लगता है घटना अढ़ाई तीन बजे के करीब की है बजे के आसपास की है जी, जी। और आपसे क्या बातचीत हुई की क्वालिशी लेकर जा रहे हैं जी अब वो जैसे हम लोग का गांव में घर और द्वार होता है, है। तो द्वार पर रहते थे हम लोग घर में रहते थे तो ज्यादा हम लोग बाहर नहीं निकलते थे हम लोग के जो शरमाने वाला चाहे गांव में होता है अमूमन जी उस तरह का हम लोग का है तो द्वार पर थे वहाँ पर थे एक श्यामा शंकर प्रमुख वो भी थे आए थे मरियाउडिंग के रहने वाले थे एक आ, और प्रमुख थे वो लोग कुछ अच्छा था, था वो लोग भी साथ में थे कहे कि आप भी चलिए उद्घाटन के कह रहे थे कि नहीं, नहीं जाना है क्या उद्घाटन में जाना है लोग मना भी किए थे कि आप मत जाइए स्कूल कार्यक्रम में हाँ जी लोग जैसे इनके दोस्त मित्र मना किए थे जो थी हमारे लड़के के हमारे बड़े जेठ के लड़के की शादी थी उसी में वो गए थे जी हम सब पूरा परिवार गया था तो उनके दोस्त मित्र थे तिलक हो गया था तो कहे कि भैया चलिए हम लोग निकल चले बनारस तो ये कहे कि जब आ गए हैं अपना क्षेत्र है क्षेत्र के लोग भी आते हैं और शादी भी प्यारा पड़ा है तो हम एक हफ्ता की शादी का प्लानिंग था सब तो इसीलिए वो रुक गए होता था उस समय हाँ जी, उस समय रहना था ये उनको थोड़ा सा यही हो गया था कि नहीं ये हमारे पीछे पड़ गया है एक बार ये पत्र लिख करके मुलायम सिंह से अपनी सुरक्षा के लिए भी बात किए थे और इन लोगों को सुरक्षा नहीं मिली इनको ना अच्छा। ये कहीं गनर था है। जी ठीक है। आते हैं ढाई तीन बजे वो घर गए हुए थे सोचे कि अपने ही क्षेत्र की बात है अपने ही लोग एक घंटा में वापस आ जाएंगे ये वो लगभग घर से निकलते हैं और क्वालिस रहती है और साथ में कौन कौन रहता है कितने लोग तीन बजे के करीब में घटना हो चुकी है आपकी कब निकले उसके लगता है कि निकले होंगे 12 बजे के करीब में 12 साढ़े बारह बजे के करीब में साथ में कौन कौन था उनके उस समय के साथ उनके गनर थे और क्वालिस में उनके साथ दो चार लड़के रहते थे एक गनर मिला था और ड्राइवर थे और प्रमुख जी लोग थे दोनों जी आ, आपकी उम्र उस समय कितनी होगी पीयूष उस समय जब घटना घटी उस समय मेरी उम्र करीब सत्रह साल थी और मैं क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट था मतलब सत्रह नहीं हुई थी सिक्सटीन स्टेड कम्प्लीट थे सेवनटीन्थ होने वाली थी और उस समय मैं कोटा में स्टडीज़ कर रहा था बंसल क्लासेस के थ्रू मैं आई टी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही थी हमारी और 29 नवंबर की घटना थी 2005 को और क्योंकि हम लोगों को भी जैसा कि माता जी ने बताया हमारे जो बड़े पिताजी उनके लड़के की तिलक हो चुकी थी और तीन तारीख को शादी होनी थी उसी के संदर्भ में हम लोगों को भी कोटा से वहाँ आना था गांव पे शादी अटेंड करने तो वहाँ नियर बाई स्टेशन उस समय जो अच्छी ट्रेनें होती थी वो हम लोग बक्सर के लिए हमेशा पकड़ते थे क्योंकि वहाँ से बक्सर करीब 40 किलोमीटर दूर था गांव से तो बक्सर गंगा पार करते गंगा पार करते ही बक्सर का एक बड़ा जंक्शन था जहाँ राजधानी हो या अच्छी जो ट्रेनें होती थी उस समय वो चलती थी तो ये हुआ था कि उस समय हम लोग उस ट्रेन से पकड़ के और जब मैं इकतीस तारीख को एक तारीख को पहुँचा तो घटना हो चुकी थी मुझे तब जानकारी हुई कि मतलब पहुंचने के बाद पता चला जी मुझे एक्चुअली कि बताया नहीं गया था मैं बाहर रह रहा था तो एक्चुअली मेरे पिताजी से हमेशा डेली बात होती थी मुझे एक बार क्योंकि स्टडीज नियर बाई हो गई थी नवंबर का था प्री बोर्ड्स आ गए थे और उस समय मैं, मैं बताया नाई आई टी के एग्जाम्स भी तैयारियां हो रही थी तो जब मेरी बात उनसे उनतीस तीस नहीं हुई तो मैं माता जी से बात हो गई तो मुझे लगा कि कहीं वो व्यस्त होंगे क्योंकि शादी ब्याह का घर है मुझे एक बार ये लगा कि कोई बात तो नहीं है लेकिन फिर मुझे ये लगा कि मैं एक दो दिन में चला ही जाऊँगा कोई बात क्या हो सकती है कभी ये आशंका नहीं थी कि उनको कोई मार सकता है क्योंकि हमेशा से एक लड़के के लिए अपना बाप हमेशा हीरो ही होता है तो लेकिन जब एक तारीख को हम पहुँचे तो सबसे पहले जो गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त थी वहाँ जो जिन गाड़ियों पर गोली चली थी वो मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि गोली चली है इसीलिए लोग बता भी नहीं रहते हमको लेकिन तब भी मुझे नहीं बिलीव हुआ कि आ, वो नहीं है क्योंकि गोलियां चलना उस समय आम बातें हो गई थी उससे पहले कई बार ऐसे घटना उनके पे हो चुकी थी चाहे वो लखनऊ का कैंटोनमेंट एरिया का घटना रहा हो साजिशें के बारे में हम लोगों को पता चलता था कि साजिशें हो रही हैं मारने की लेकिन जब मैंने अपने बड़े भाई को देखा तो उनका जो मुंडन हो रखा था तब मैं जाना कि पिताजी नहीं हैं पहुँचने के बाद एक जी पीयूष को तो बाद में पता चला आप लोग को कब पता चला इस घटना के बारे में क्या डिटेल सामने आई मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा आपके लिए लेकिन अगर आप कोशिश करें कि घटना की डिटेल जितनी बता सकें कि आपके पास कितनी डिटेल सामने आई कब आई सबके पास मोबाइल और फोन उतना नहीं था हेडफोन था तो लोग अपना फोन नहीं उस वहाँ से जैसे वो र, रा, रास्ता जो है गुड़ौर से बसनिया वाला वहाँ से लोग भागे भागे गए हमारे पास मैंने हमारे गाँव गुड़ौर और चिल्लाते रोते गाते कैसी घटना हो गई ऐसी घटना हम लोग भी विश्वास नहीं किए कैसी घटना हो सकती है और जब गाड़ी दोनों आई सब लाशें सात लोगों की उस समय हत्या हुई थी सातों लोग उस गाड़ी में लाद करके आए थे क्या बताएं उस समय की घटना बताने लायक तो स्थिति नहीं है हमें बताने में हमको बहुत कष्ट महसूस होता है लेकिन फिर भी जो हुआ उसका तो नतीजा तो उसके बाद बाद जाने के बाद, आपका पूरा पूर्वांचल में एक फैल गया अच्छा अलका जी ये बताइए कि आपको ये कब पता चला कि इस घटना में इस बात इस बारे में आपको किसने सूचना दी या कैसे सूचना दी थोड़ा जानना चाहता हूँ कि इस घटना में आपके पति के मर्डर में मुख्तार अंसारी और उनके साथ करीबी रहे मुन्ना बजरंगी इन लोगों का हाथ है इस तरह की खबरें सामने आई कब पता चला आपको जी उस जब ये घटना हुई तो तुरंत पता चल गया कि वो मरवा दो पहले से इसका साजिश था मरवाने के लिए जिस तरह से उस समय का सरकार थी जैसे पत्र के माध्यम से सुरक्षा हमारी बढ़ा दी जाए ऐसा हमारे साथ घटना हो सकती क्योंकि लखनऊ वाला कांड भी हुआ था ऐसे भी कई तो उस पर नहीं सरकार ने कुछ समन किया ना उनको सुरक्षा दी गई तो ऐसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है बाकी ये नहीं था कि हमारे घर में ही घुस करके हम लोगों को मार देगा ऐसा भरोसा नहीं था आ, अब जब आप आते हैं वापस आ, आपके आने के बाद स्थितियां कैसे बदलती हैं मैं अब जानना चाहता हूं केस के लीगल कोर्स पे जाना चाहता हूं कि लीगल कोर्स में जब केस जाता है तो काफ़ी काफ़ी मौके पे डीरेल भी होता है ठीक है जांच अधूरी है जांच बंद होती है बरी होना फिर से जांच बैठना ये क्या था थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताइए भयूष जब मैं लौट के आया तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो माता जी से छूट गई उस समय के जो बेसिक्स पॉइंट्स थे उस घटनाक्रम में मेरे गांव वाले जो पिताजी जिनके लड़के की शादी थी वो भी उस घटना में थे पिताजी की गाड़ी में बैठे थे मेरे एक छोटे चाचा थे वो भी मेरे पिताजी के साथ शादी थी जिनके जिनकी शादी नहीं थी उनके पिताजी जिनकी शादी थी उनके पिताजी जो मेरे बड़े पिताजी लगेंगे कुछ दिन कुछ साल पहले उनके भी देहांत हो गया और मेरे छोटे चाचा थे और वो भी मेरे पिताजी के साथ अन्य प्रमुख जी लोग जो क्षेत्र के लोग थे उनके साथ उस क्योंकि उस समय आ, आपको याद होगा अगर उस समय का घटनाक्रम 2006 में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव नजदीक थे और क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक वर्चस्व जब इन लोगों का दो हजार दो में तोड़ा गया था मेरे पिताजी द्वारा तो एक हर ग्राम स्तर से लेके और जिले स्तर की लड़ाई उस समय शुरू हो गई थी राजनीतिक इनके सफाया करने की तो उसमें चाहे ब्लॉक प्रमुख की हो चाहे जिला पंचायत जिला परिषद की चुनाव हो ये सब चुनावें आने लगी थी दो में इन सबका चुनाव था तो क्योंकि उसी समय एक समीकरण बन रहा था जो प्रमुख जी वहाँ श्यामा शंकर राय जी थे मड़ियाव डी के वो पहले मोहम्मदाबाद के ब्लॉक प्रमुख थे उनका ये हुआ कि भाव और कोल से लड़ने की स्ट्रेटजी बन रही थी उसी क्रम में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन इनको सुनियोजित तरीके से घर से निकालने के लिए क्योंकि सबको ये पता था कि शादी में ये रहेंगे ही क्योंकि मेरे घर में करीब सत्रह साल बाद किसी लड़के की शादी होने जा रही थी जो सबसे बड़े भैया हैं हमारे उनकी शादी थी तो अमूलन जब किसी के घर में शादी होती है और इतने एज गैप के बाद शादी हो तो सबको ये था कि शादी में तो निश्चित होंगे और किसी न किसी बहाने से इनको घर से बाहर निकालना है क्योंकि ये पिताजी को बहुत पहले ही जो मुझसे डिस्कशन होते थे उन्होंने पहले ही अंदाजा जता दिया था कि मुन्ना बजरंगी के बिना ये हत्या मेरी नहीं कर सकते अच्छा, बिल्कुल कैसे अच्छा। क्योंकि देखिए पूर्वांचल में उस समय आ, मुख्तार अंसारी के पास जो सबसे बेस्ट हैंड था एक अच्छे शूटरों में तो उसमें संजीव मेशूरी और मुन्ना बजनी का नाम सबसे पहले आता है और क्योंकि एक ऐसे आदमी की हत्या करनी थी जो स्वयं सुरक्षा की व्यवस्था में काफ़ी क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी होना तीन चार गाड़ियों का काफ़िला होना जब तक एक अच्छी टीम ना हो शूटरों की तब तक ये हत्या नहीं की जा सकती थी और पिताजी को उनके आई लेवल के हिसाब से उनके अपने कैलकुलेशंस की जो थी जो हमसे डिस्कशन करते थे उनका ये था कि बिना संजीव मेश्वरी और बिना मुन्ना के ये मेरी हत्या नहीं करा सकते क्योंकि जो बाकी शूटर्स जो उनको जानकारी में आते थे जिनके नाम आते थे वो नौसिखे लड़के थे तो उनको ये लगता था कि जब भी हत्या होगी हैंड लगाएंगे हैंड ही लगाएंगे और बिना फोर्टी की ये हत्या नहीं की जा सकती क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी थी और तीन चार गाड़ियों पर कवर करने के लिए ये सब ऐसे ऑटोमेटिक असलों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इससे पहले मैंने जैसे बताया कि लखनऊ का कैंटोमेंट कांड हो चुका था जिसमें दोनों पक्षों से मुकदमा लिखा गया और दोनों पक्षों के छः छः लोगों को नामज़द किया गया था मुख्तार की तरफ से भी और पिताजी की तरफ से जिसमें फिर पिताजी को बरी कर दिया गया लेकिन ये सब चीज़ें एक सुनियोजित तरीके से बार बार प्लानिंग हो रही थी कि इनको किस तरीके से फंसा के कानूनी रूप से और इनकी हत्या की जाए अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पिताजी की हत्या हो चुकी थी तो हमारे जो बड़े पिताजी थे उन्होंने वादी बन के मुकदमा दर्ज कराया भावरकोल थाने में और गवाह के रूप में हमारे बड़े पिताजी हमारे छोटे चाचा जी और एक हमारे रमेश राय जी वहाँ के थे जो जिनकी मृत्यु हो गई थी उसी में उनके घर के एक दो सज्जन थे ये लोग गवाह चुने गए जिस क्रिकेट के कार्यक्रम को सुनियोजित तरीके से बनाया गया था और जिस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था वो भी गवाह था इसमें और वो उसकी गवाही पुलिस के सामने एक सौ इकसठ के बयान में यही थी कि ये सुनियोजित तरीके से क्रिकेट का मैच लगाया गया केवल विधायक जी को बुला के हत्या करने के लिए ये उसका बयान आज एक सौ इकसठ के पुलिस के डायरी में ये मेंशन थी लेकिन तीन महीने के बाद संध्यास्पद स्थिति में ओवर डोज ऑफ ड्रिंकिंग जिसमें जहर की पुष्टि भी हुई उनकी मृत्यु कर दी गई उनका नाम था शशिकांत राजा सियाड़ी के थे तो उस समय जैसे मैंने कहा ना कि 2017 से पहले पूर्ववर्ती सरकारों की इतने अच्छे पैट थे लोगों के कि किसी भी व्यक्ति का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराना तो उस समय के जो एसपी थे जब ये घटना हुई उन्होंने इनके खिलाफ़ जांच शुरू की और महज 24 घंटे में जब ये चीज़ें निकल के आने लगी कि कही कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का इसमें इन्वॉलमेंट है तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और 24 घंटे बाद फिर स्थिति को कवर करने के लिए गवर्नमेंट्स ने मुआवजे और तरह तरह की चीज़ों को लाना शुरू किया जिसमें हम सभी लोगों ने कह दिया कि हम लोगों को नहीं चाहिए और क्योंकि एक सरकारी गनर मरा था उनके परिवार के सज्जनों को चाहिए तो आप व्यक्तिगत उन लोगों से पूछ लीजिए बाकी हमको और हमारे परिवारजनों को इस तरीके के मुआवजों की, की जरूरत नहीं है हम लोगों को न्यायिक जाँच चाहिए हम लोगों को सी द्वारा जाँच चाहिए न्यायिक जांच के लिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है और उसके बाद जब हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की तो उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया नहीं।, नहीं दिया उसके बाद पुलिस अपनी जांच करने वाली थी पुलिस के जांच के अनुसार मुख्तार अंसारी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था अज्ञात में मेरे पिता जो बड़े पिताजी ने जो मुकदमा लिखवाया था उन्होंने नाम डलवाया था मुन्ना बजरंगी का संजीव महेश्वरी का राकेश पांडे का उर्फ बाबू का मंसूर का इन लोगों का नाम उसमें डलवाया गया था नामजद मुकदमा 120 बी में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का और इनके जो बहनोई थे एजाजुल हक उनका तीन लोगों का नाम डाला था नाम डालने के बाद अब हुआ क्या कि इन लोगों ने सरकार के सरकारी तंत्रों के माध्यम से क्योंकि थोड़ी सी मेरी पढ़ाई भी उस समय डिस्टर्ब हो गई पढ़ाई लिखाई से दूरी हो गई थोड़ा सा इस तरीके से कनेक्शन था एक बाप बेटे का कि बाप बेटे से ज़्यादा एक टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन था अपना और लाइफ के सारे डिसप्लिनस लाइफ में अपने उसके स्ट्रगल्स जो भी तो वो हम दोनों ने एक दूसरे को एक टीचर और स्टूडेंट की तरह से सीखा था तो वहाँ से जब शुरू हुई तो अब जो गवाह बने उन गवाहों में फिर हम लोगों ने फिर सी बी के लिए हाई कोर्ट से हम लोगों के आदेश आए हम न्यायिक न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाया वहाँ से उसके आदेश आए आदेश के बाद फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आया कि क्योंकि मुख्तार अंसारी का यहाँ इतना पकड़ था हम लोगों ने इसके ट्रायल दिल्ली कराने की मांग की तो जो सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला आया फैसला आने के बाद जब गवाही शुरू हुई तो इन लोगों ने क्योंकि उस समय तक समाजवादी पार्टी का सरकार था स्टेट में तो इन लोगों ने सरकारी तंत्र के माध्यम से गवाहों को डराना धमकाना शुरू किया किसी को बच्चों का अपहरण करना वही घटना के पिताजी की घटना के चार महीने बाद शशिकांत राय की जब हत्या हो जाती है इस, चार महीना नहीं मैं मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ आठ या नौ महीने लग जाते हैं उनकी हत्या हो जाती है वो भी संध्यास्पद उनको रात भर जैसे वो ड्रिंक करते थे रात में लेकिन क्योंकि क्लोज़ बाई थे वो कभी ऐसे ड्रिंक्स नहीं करते थे कि ओवर हो जाए और ओवर से और उसमें जहर के हुआ उनकी यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जाँच हम लोगों ने कहा कि लखनऊ से टीम बुला के पैनल से कराई जाए वो ना करा के जिले गाजीपुर के ही डॉक्टरों द्वारा कराई गई वो भी विसरा जाँच उनकी कम्प्लीट की गई तो कहीं कही ना कहीं वहां से संदेह शुरू हुआ और वो संदेह दे के और गवाह भी डरने लगे हम लोगों ने सबको समझाया सबको सुरक्षा मुहैया कराई सबके लिए अलग से वाहन मुहैया कराए सबके लिए रहने की व्यवस्था मुहैया कराई लेकिन जब सरकारी कभी भी मुख्तार में इतना दम नहीं था कि पिताजी की हत्या करा सके अकेले दम पे क्योंकि जब तक सरकारी तंत्र नहीं लगता पिताजी की हत्या नहीं हो सकती थी ये मैं इतने दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि एक व्यक्ति की हत्या कोई गुंडा कर सकता है लेकिन एक विधायक समेत दो दो ब्लॉक प्रमुखों की हत्या बिना सरकारी तंत्र के मदद से नहीं हो सकती थी लार्जर मशीनरी इन्वॉल्व होती है आप ये कह रहे हैं जी बिल्कुल और उस वो लार्जर मशीनरी हम लोगों ने देखा जब गवाहों को प्रताड़ित करना शुरू किया गया पुलिस के कुछ लोग घर पे जाके डराना धमकाना गवाही करोगे तो ये स्थिति होगी एक होता है कि आप आ, सरकार के एक मनोबल बनता है सरकार एक ऐसा सिचुएशंस बनाती हैं कि नहीं आप गवाही करिए हम आपके साथ हैं और एक सरकारी तंत्र रहता कहता है कि अरे बहुत बड़े माफिया हैं देखो कुछ दिक्कत हो जाएगी ये ये दोनों इंटेंशंस समझ में आते हैं उसी में गवाही टूटी एक दो दो लोगों की खास गवाही टूटी एक डब्बू राय है हरियरपुर के और एक रमेश राय थे वीरपुर के जो एक सौ के गवाह थे वो गवाही टूटी और सीबीआई uh, बी ने 2019 में सीबीआई बी कोर्ट ने अगेंस्ट में फ़ैसला दिया उनको बरी कर दिया लेकिन मैं कहा ना 2019 17 उन्नीस अठारह आते आते 16 तक 15 तक uh, मैं उस समय जॉब करता था और केस मुकदमे में क्योंकि uh, मेरे बड़े पिताजी जो मैं बताया वो क्योंकि मुकदमा वादी थे तो दिल्ली में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई तो वहाँ केस में जाना उसकी स्टडीज़ करना वकीलों के साथ डिस्कशंस करना क्योंकि मेरी माता जी हाउस थी हाउस वाइफ होने के नाते एक सामाजिक जीवन और एक राजनीतिक जीवन की कोई समझ नहीं थी उस समय भले ही एक बार विधायक हो चुकी थी लेकिन फिर 2012 में चुनाव नहीं लड़ा गया किन्हीं कारणों से पार्टी ने कहा कि आप अभी रहने दीजिए और मैं इन सभी बातों में एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर्स थे चाहे वो स्वर्गीय अरुण जेटली जी हों रविशंकर प्रसाद जी हों चाहे इस समय जम्मू कश्मीर के एलजी साहब मनोज सिन्हा जी हों उस समय सांसद हुआ करते थे और चाहे मैं कहूँ तो अमित शाह जी हों आडवाणी जी हों इन लोगों ने एक परिवार के एक छोटे सदस्य की तरह हमेशा मदद किया जो भी जुडिशल कंसर्नस लेने होते थे वो लोग मदद करते थे और जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आई जिसमें सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया या कोर्ट ट्रायल दिल्ली शिफ्ट किया गया उसमें दोनों वकील हमारे अरुण जेटली जी और रविशंकर प्रसाद जी थे और एक होता है कि परिवार के किसी सदस्य के जाने के बाद चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो तो वो एक मदद हमेशा एक हम लोगों को मिलती रही कि आप परेशान भी मत हो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से आपको आपने हमेशा एक परिवार की तरह सजो के रखा अपने बच्चे की तरह समझा खासकर हमारी माता जी का ध्यान रखा हम लोग की पढ़ाई लिखाई उस समय चलती थी अब पढ़ाई लिखाई का 40 परसेंट पढ़ाई लिखाई 60 परसेंट इस पूरे कंसर्न्स को जुडिशल्स चीज़ों को देखने में निकल गया फिर जब ये लगा जब दो में उस समय दो में हम लोग विधायक हो गए विधानसभा का चुनाव था योगी जी की सरकार आ चुकी थी उत्तर प्रदेश में तो 2019 में ये समझ में आया कि जब ये फैसला विपरीत आया तो ये लगा कि मैंने कहीं ना कहीं फिर दोबारा मर्डर हो गया सीबीआई के इस कहीं ना कहीं जजमेंट में कुछ कर... जजमेंट आया।, आया तो उस समय ये लगा कि हाँ फिर हमने हाई कोर्ट चैलेंज किया उस समय फीलिंग्स भी कुछ ऐसी रही कि लगा कि शायद न्यायपालिका सही नहीं है क्या हो रहा है ये ऐसे माफियाओं पे बिक जा रही है आ जबकि आप हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं हम जजमेंट की उस एक लाइन में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर गवाहों ने अपने बयान नहीं मुकरे होते तो इसका फैसला कुछ और होता एक जज ने जब ये कंसेंट लिखा तो ये कहीं कही ना कहीं उस समय मैं के मैटर्स मैटर्स क्योंकि एक जज एक ऑर्डर लिख रहा है अच्छा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दूंगा मैं कुछ और डिटेल्स यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे जो डिटेल्स ऐड करने वाला हूँ परिजनों के सामने वो डिटेल्स ऐड करना थोड़े से अनकम्फर्टेबल भी हो सकते हैं लेकिन कंटेक्शुअली वो डिटेल्स थोड़े से मौजूद हो जाते हैं कृष्ण राय की हत्या की जब खबर आई थी तो कुछ और डिटेल्स जैसे सामने आए आपको ये काउंट पता चलता है कि किशन राय के शरीर से और समेत उस पूरे घटनास्थल से गोलियों के राउंड कितने बटोरे जाते हैं कितने राउंड गोलियां चलती हैं वो राउंड लगभग दो सौ के ऊपर है आधिकारिक काउंट और अनऑफिशियल काउंट में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर भी है और संख्याओं में हमेशा ऐसा होता है कि सरकारी संख्याएँ कुछ कम नंबर आती हैं डिटेल्स आती हैं कि जब किशन राय की हत्या हुई मुन्ना बजरंगी ने गोली चलाते समय यह भी कहा था गवाहों ने चश्मदीदों ने यह बयान दिए कि इनको मारो इन्होंने भाइयों को बहुत परेशान कर रखा है भाइयों का अर्थ कुछ और निकाला गया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी से जोड़कर देखा गया जब गोलियाँ चली तो ये भी कहानियाँ आई कि मुख्तार अंसारी लगातार मुन्ना बजरंगी से इस पूरे कांड के अपडेट्स दे रहे थे रियल टाइम अपडेट्स ले रहा था वो आ, उसको वो परिवार और उससे जुड़े तमाम जो गिरोह के सदस्य थे ये भी कहानी आई कहानी ये भी आई कि कृष्ण राय की हत्या के बाद उनकी चुटिया को काट लिया गया इसके बाद कृष्ण राय का जब अंतिम संस्कार हुआ तो एक भारी तनाव पुलिस पत्रकार और कृष्ण राय के समर्थकों में के बीच एक गतिरोध बनारस गाज़ीपुर और इन इलाकों में देखने को मिला था आ, इसकी डिटेल्स बहुत गोरी हैं तो मैंने मुझे लेकिन इसको शेयर करना थोड़ा ज़रूरी था पीयूष अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ चूँकि मुख्तार अंसारी इज़ नो मोर नाउ अब इस पूरे केस की दिशा और कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होने वाला है जो पिताजी का सीबीआई को हाई कोर्ट में है देखिए उसमें अफजाल अंसारी भी उसमें है उसमें एजाजुल हक हैं और उसमें अब क्योंकि आ, संजीव महेश्वरी की भी डेथ हो चुकी है मुन्ना बिंगी की भी डेथ हो चुकी है तो दो लोग अभी भी उसमें हैं और वो तो आ, ठीक है जो जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका नाम स्ट्राइक ऑफ करके बाकी लोगों पर वो मुकदमा तो चलता ही है तो मुकदमा तो चलेगा ही देखिए एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं ये लड़ाई केवल ऐसा नहीं है कि मुख्तार के खिलाफ है मुख्तार एक नाम है ये ये लड़ाई उस विचारधारा के ख़िलाफ़ है जो इस विचारधारा में ये तय है कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं मसीहा की तरह लेकिन काम करते हैं एक बड़े गुंडे की तरह सबसे बड़ी बात है कि आपने एक शुरुआती कमेंट किया कि एक निजी लॉस आपका हुआ आप एक चीज़ गौर करिए 1984 से 2002 तक 27 साल या 28 साल अफजान अंसारी लगातार विधायक रहे ठीक पहली बार उनको चुनौती मिलती है 96-97 में जिसमें मेरे पिताजी थर्ड आए और करीब 16 सत्रह हज़ार वोटों से हार गए आखिर क्या ऐसी वजह रही कि 2002 में ठीक पाँच साल बाद वो नौ हज़ार वोट से हरा देते हैं कुछ वजह होगी वो वजह सही वजह नहीं भी वो मूल्यांकन की चीज़ें हैं लेकिन 2002 दो के बाद ऐसा क्या हो गया कि तीन साल में ही इन लोगों को ये समझ में आया कि नहीं इसकी हत्या करो वरना ये आगे नहीं हो पाएगा कहीं ना कहीं ये सब मूल्यांकन की चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं स्टडी करने वाली चीज़ें लेकिन जो मेन बात है कि वो कभी भी प्राइवेट लॉस नहीं था आपने कहा अपने अभी बात में कि बनारस से लेके गाज़ीपुर बलिया पूरे हर जगह उनके मृत्यु के बाद तनाव हो गया और गतिरोध हुआ ये क्यों इतने बड़े तीन जिलों में इतना बड़ा गतिरोध क्यों हुआ क्योंकि पूरे पूर्वांचल में अपराधियों के खिलाफ अगर किसी ने पहली बार आवाज़ उठाई और उनको हरा के उनके वर्चस्व को कम किया तो वो मेरे स्वर्गीय पिताजी थे और उस चीज़ को जनता ने माना भी था इसलिए ये पर्सनल लॉस कभी भी नहीं रहा ये एक सोसाइटी का लॉस था और जैसा आपने कहा कि ये कोई मिथ नहीं है क्योंकि बॉडीज हम लोगों ने देखी है मैंने बॉडीज़ तो नहीं देखी मैं तो अंतिम संस्कार में भी नहीं था जैसे मैंने आपको पहले बताया लेकिन आ, माता जी ने बॉडी देखी मेरे बड़े भाई ने बॉडी देखी मेरे बड़े भाई ने मुखाग्नि की वाकई में उनकी चोटियाँ काटी गई थी और चोटी काटना एक अलग विषय है एक घेर के गोली चलाना एक दूसरी विषय है तीसरी विषय ये है कि सटा के पॉइंट ब्लैंक से हर किसी मृत व्यक्ति के सर पे पांच पांच गोली मारना ये एक तीसरी विषय है ये मूल्यांकन के विषय हो सकते हैं आप पत्रकार हैं इसके मूल्यांकन आप अपने तरीके से कर सकते हैं चोटी काटने का मेन पर्पज क्या था मानित करना किसको केवल कृष्ण को नहीं हमारे सनातन धर्म में जनेव चोटी और तिलक ये प्रतीक हैं कि आप सनातन धर्म के फॉलोवर हैं आप सनातन के सभी जो धर्म के नियम कानून हैं आप उसको मानते हैं तो जनेव निकालना एक फुल शर्ट वर्ड से दिक्कत है आपके सर पे गोली मारी गई आपके तिलक हटाया गया आपकी छोटी गाड़ी गई तो पूरे उस समाज को जो सनातन धर्म जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेके चला अपमानित करने का अपमानित किया गया जिसके चलते जो गतिरोध आप बात कर रहे हैं वो इतना बड़ा रहा लोगों ने उस चीज को समझा कि सब चीज ठीक थी पर चोटी काटना सर सर पे गोली मारना और इस तरीके से प्रेजेंट करना कि पूरे हिंदुत्व को और हिंदू कम्युनिटी को कम्युनिटी से बड़े कि हिंदू को इस तरीके से अपमानित करके मारना ये कहीं ना कहीं बताता है कि, कि किस मानसिकता के किस निचले क्रम के मानसिकता के लोगों ने यह काम किया है और रही बात आज तो न्याय ने भगवान ने अपने दरबार में दिया है जांच का विषय तो है ही न्यायिक जांच भी मुख्तार के केस में मरने के उपरांत न्यायिक जांच के लिए भी आदेश हो चुके हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुके हैं जो भी उनके ब्लड सैंपल से आ, क्या कहते हैं पॉइजन की जो इन्होंने बात लगाई है वो भी तीन चार महीने में आई जाएंगे तो दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा लेकिन अंतर देखिए उस समय के सरकार और इस समय के सरकार के इरादों में न्यायिक जाँच मना कर दिया गया सी बी मना कर दिया गया पुलिस की जांच पे असंतुष्टि थी उसके लिए तुरंत जो आ, एस पी और सभी जांचों को आ, गो गोवाट दिया जा रहा है हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय जो पुलिस वाला सही जांच वहाँ का एसपी किया उसको हटा दिया गया 24 घंटे में और पूरे सरकारी तंत्र ने मिल के गवाहों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया एक सबसे महत्वपूर्ण गवाह की संदिग्ध स्थिति में पुलिस कांस्टेबल के साथ मृत्यु हो जानी ये भी संध्यास्पद है लेकिन आज आज पे सवाल उठा रहे हैं आप जी बिल्कुल इरादे साफ है ना आपको जांच करानी है आप न्यायिक जांच ले लीजिए मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे अब छोटा सवाल है क्योंकि यहां पे भी क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे साल 2021 में मैंने अफजाल अंसारी का एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया था और मेरे ख्याल से आप लोग भी इस आरोप से परिचित होंगे इस इल्ज़ाम से परिचित होंगे कि वो एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि अलका राय और उनके परिवार ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की किसी ब्लास्ट का जिक्र करते हैं अगर आप लोग को इस इल्जाम के बारे में पता हो वो एक ब्लास्ट का जिक्र करते हैं कि उनके परिवार ने मुझे मुझ पर हमला करने की कोशिश की हमारे परिवार पर हमला करने की कोशिश की ये कितना क्या ये इल्जाम से वाकिफ हैं आप जी जी जैसे ये एक हमारे घर में गाजीपुर आवास पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है बॉम ब्लास्ट में संदिग्ध लोग पकड़े जाते हैं उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी ये समझिएगा मुख्तार अंसारी जेल में थे उस दिन उस दिन घर में ना मेरी माता जी थी ना मेरी थी कोई लोग थे क्योंकि आप उस घर को देखेंगे तो उसके चारों तरफ रोड है आज भी वो आवास है मैं उसी आवास में गाजीपुर में अपने क्षेत्र में रहता हूं तो उसी आवास में रहता हूं उस घर के एक पोर्शन में जो बम रखे गए थे उनका ये कहना है कि वो बम हम लोगों ने उनको इस्तेमाल उनको मारने के लिए वो प्रयास कर रहे थे लेकिन पुलिस का रिपोर्ट उठाइए आप, आप पत्रकार हैं उसकी आप जांच कराइए उसमें उस समय के तत्कालीन डीजीपी ने साफ साफ कहा कि मैं अपराधी के और उसके अपराधीकरण करने की नीति को जानता हूँ मुख्तार अंसारी द्वारा पहले भी ये प्रयासरत हो चुके हैं दूसरे को बम से मारने की और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दूसरा प्रयास क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा दबाव आता था हमारे बड़े पिताजी और जो उनके लड़के थे वो मेरे भाई साहब वहाँ रहते थे क्योंकि वो छोटे से जॉब वहाँ करते थे गाज़ीपुर में उनको मारने की धमकी मिल चुकी थी जिसके लिए उस समय के सपा सरकार में प्रोटेक्शन भी मांगा गया था मेरे चाचा के लिए प्रोटेक्शन मांगा गया था उस दिन मेरे जो गांव वाले पिताजी थे और मेरे जो भाई थे उनके लड़के वो लोग उसी घर में रुके थे और उनको ये जानकारी थी कि ये मुकदमा वादी हैं अगर इनको हमने रास्ते से हटा लिया तो मुकदमा खत्म है और इसका उन्होंने प्रयास किया इसमें मैं वही कहूं कि भगवान कहीं ना कहीं जब आप संघर्ष करते हैं तो उसका मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन का रिज़ल्ट आपको उसके अनुसार देता है घर के तीन कमरे थे एक कमरे में वो बम रखा गया था और जैसे मैंने बताया कि घर रोड से सटा हुआ था और बहुत निचली बाउंड्री थी उसको ला के रखा गया था और अचानक से क्योंकि जो सुरक्षा मिल चुकी थी वो सुरक्षाकर्मी उसमें आता है और एक बहुत ही नॉमिनल पैकेज की तरह वो रखा हुआ था जैसे ऐसा आपको उसको देख के नहीं लगा कि क्योंकि उसमें मेरे जो बड़े पिताजी थे वो उनको गांव जाना था वहाँ से गांव की दूरी करीब 20 किलोमीटर थी तो पिताजी ने कहा कि मैं चला जाता हूँ और गनर जो रहेगा मेरा जो मुझे सुरक्षा मिली है वो रुकेगा और वो सुरक्षा के साथ तुम रहना और कल सुबह आ जाना धमकियां मिलती थी और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जब आदमी अपना सब कुछ खो चुका होता है तो धमकियों का को कोई इशू होता नहीं और धमकियां कभी हम लोगों को मुख्तार से नहीं मिलती थी सरकारी तंत्रों से मिलती थी कि अरे आप क्या फंस रहे हैं वो बाहुबली हैं आपके घर कभी पुलिस आ जाए रात को उठा के आपके घर की जांच होने लगी कि आपके घर में पता लगाया कि ये है आपके घर में पता लगा है कि ये है तो डिस्टर्ब करने की एक प्रक्रिया हम लोग भी कहते थे कि आप खुजवा लीजिए जो है जैसे है दिखवा लीजिए वो बम फटा वो सुरक्षाकर्मी उसमें एक गुजरा और उसमें भगवान का दया है कि भाई साहब को मेरे कुछ नहीं हुआ उल्टा जब डीजीपी ने अपना एक बयान दिया मीडिया में कि इस इस तरीके की घटना एक गलत है वहाँ के लोकल एसपी ने जिनको बदला गया था वो लोकल एसपी ने एक मुकदमा हम लोगों ने तहरीर दिया कि ये हमारे घर में बम प्लांट किया गया है कृपया इसकी जांच करें और इसके खिलाफ मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ और उनके भाई के ख़िलाफ़ ये मुकदमा लिखा जाए उन्होंने उल्टा ये मुकदमा मेरे भाई साहब के खिलाफ लिखा जो उस घर में थे और तीन महीने के अंदर वो केस को एफ लगा के खत्म कर दिया गया अब आप समझिए ये एक सुनियोजित तरीके से काम था उन्होंने पुलिस ने ये दिखाया कि वो बॉम्ब प्लांट इन लोगों ने किया वो इसलिए दिखाया कि जो हम लोगों की तहरीर थी उस पर काम ना हो सके क्योंकि अपराध कोई एक ही होगा और पुलिस ही उसको तहरीर को केस की तरह कंसीडर किया जाए एक ही तरीके केस की तरह कंसीडर किया जाए और पुलिस ही उसको तीन महीने में एफ लगा देती है इसमें मुख्तार भी बच गए इसमें सामाजिक रूप से हम लोगों को एक उन लोगों को मौका मिल गया और एफ तो इसलिए लगना था कि कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं पुलिस की जांच में तो देखिए ये मैं आपसे बताया ना कि मुख्तार अंसारी या उनके गुर्गे या उनके परिवार के लोग आप कभी भी उनसे स्पष्ट बातों के लिए आप एक जिक्र नहीं सुन सकते उनके सारे किस्से और कहानियां ही होंगी आप उनसे अगर टेक्निकल चीजों पे सवाल पूछेंगे तो उस जवाब में वो कभी नहीं आएंगे ठीक है नेता लोग हैं आज से नहीं चालीस साल राजनीति करते हो गए अब जान अंसारी के अब आपका इंटरव्यू रहा मैं इंटरव्यू देखा नहीं हूँ अपने इंटरव्यू से एक पोर्शन निकाला तो मैं उसका क्लैरिफिकेशन दिया लेकिन आ, सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्या है कि आ, एक व्यक्ति के परिवार पे मुख्तार अंसारी पे पैंसठ मुकदमे अफजाल अंसारी पे 22 मुकदमे सिप्तुल्ला अंसारी पे 8 मुकदमे और आ, क्या कहते हैं अब्बास अंसारी पे 9 मुकदमे उमर अंसारी पे 8 मुकदमे मनु अंसारी पर एक मुकदमा और मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति पे एक भी मुकदमा नहीं मेरे पिताजी तक पे एक भी मुकदमा नहीं कुछ तो है सपा तो शासन हर समय रही 2017 में अगर उनको ये है कि नहीं आ, आपकी राजनीति के चलते इतने मुकदमे लगे तो मेरा तो सरकार 2017 के बाद आई उससे पहले तो सपा थी बसपा थी क्यों इतने मुकदमे लगे अफजान अंसारी के जो भी मुकदमे हैं वो 2017 के पहले के हैं एम पी एम एल ए का एक मुकदमा जो मेरे पिताजी में जिसमें वो चार साल की उनको सजा हुई वो बाद की मुकदमा है एक मुकदमा बाईस मुकदमे में एक अभी का है पहले के बाकी हैं तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं आपके वैसे काम हैं कि आपके पे ऊपर मुकदमा है और वो लोग ये कहते हैं कि जब आप राजनीति में रहते हैं तो मुकदमे तो आपको डराने के लिए धमकाने के लिए लगाए जाते हैं हम लोगों पर क्यों नहीं मुकदमे डराने धमकाने के लिए लगे आज से राजनीति में नहीं है नाइन्टी से मेरे पिताजी राजनीति में थे माता जी राजनीति की हम हम राजनीति कर रहे हैं क्यों नहीं हम लोगों के ऊपर मुकदमा लगा क्योंकि हम को वैसे काम नहीं है हम लोगों की शुद्ध एक यही है कि उस क्षेत्र में जो एक नाम का इन लोगों ने अपना बना रखा था कि ये मेरा अपना जागीर है मोहम्मदाबाद वो जागीर आपका नहीं है वो जनता का है आप मानेंगे नहीं जिस दिन ये घटना हुआ मैं क्षेत्र में मोहम्मदाबाद में ही था जितने पटाखे उस दिन फूटे आप कस्बे के एरिया को छोड़ दीजिए जहां उनका घर है जितने पटाखे उस दिन फूटे उस दिन उस उतना मैं कभी जब बचपन में रहा करता था तो बनारस में उतने पटाखे मैं देखा करता था अब तो पटाखे बहुत कम लोग फोड़ने लगे हैं अब लोग बहुत शांति तरीके से आतिशबाजी खूब हुई है उस दिन गाजीपुर में हुई है बलिया में हुई है क्यों अगर ये मसीहा थे तो क्यों और मसीहा केवल एक ही वर्ग के लिए है तो क्यों हम लोग राजनीतिक जीवन में मैं भी हूँ वो और उनके समर्थक कहते हैं कि अहमदाबाद की छोटी सी आबादी मुस्लिम है विधायक इतने साल से चुने जा रहे हैं मऊ की इतनी छोटी आबादी मुस्लिम है वहाँ से विधायक चुने जा रहे हैं तो केवल एक वर्ग वोट नहीं करता है उनको क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स के जोन में उतर रहे हैं अब वोटिंग के जोन में उतर रहे हैं इसलिए वो बात आ गई कि अब केवल एक वर्ग वोट नहीं करता है केवल एक कम्युनिटी वोट नहीं करती है उनको सारी कम्युनिटी अब वोट कर रहे हैं इसलिए अफजाल मनोज सिन्हा जैसे बड़े नेता को हरा सकते हैं मुख्तार अंसारी इतने लंबे समय विधायक रह सकते हैं उनकी जगह बास अंसारी विधायक बनते हैं सब अक्तुल्ला के बाद मन्नू अंसारी विधायक बनते हैं तो सिर्फ एक कम्युनिटी के क्या केवल के एक वर्ग के नेता हैं या आपका वर्ग से मतलब कुछ और है यहाँ पे नहीं देखिए अब इसमें मेरा जो तर्क है अगर ये हर वर्ग के नेता है तो इन्होंने अपनी पार्टी क्यों डिजोल्व कर दी सोचने की बात है और जब इन्होंने उस समय चुनाव लड़ा अपने आ, कौमी एकता दल से तो इन्होंने जो चुनाव लड़ा वो अफजाल अंसारी अरे अफजाल अंसारी ने उस उस पार्टी से क्यों नहीं चुनाव लड़ा क्यों सपा से चुनाव लड़ा विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा जब अपने कौमी एकता दल से तो उस समय सपा ने डमी कैंडिडेट उतारा क्यों उतारा अच्छा दूसरी बात क्यों मेरा मानना है कि अगर खुद मोहम्मदाबाद में आज मुसलमान की आबादी करीब करीब 30,000 के करीब है यादवों की आबादी करीब करीब 42,000 हजार अगर इनकी इतनी ही अपनी राजनीतिक पकड़ है और इतने ही ये सर्वसम्मानित नेता हैं तो क्यों इनको बार बार अपने दल बदलने पड़ते हैं कभी वो समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव जी को बसपा सीपीएम पर। से शुरुआत होती है अपनी पार्टी ये सब लंबा लंबा एक सफल तो है पॉलिटिकल अगर अगर मान लीजिए पोलिटिकल ग्राउंड मुझे बनाना हो तो मैं भी सफल कर सकता हूँ पर क्यों नहीं क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं विचारधारा आपकी फिक्स होनी चाहिए अगर आप स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं तब आप बदलेंगे और अपने आप को कहेंगे कि नहीं मैं रॉबिन हुड हूँ क्योंकि मुझे रॉबिन हुड आ, अपने आप को मैं ही कहने लगूँ कि मैं रॉबिन हुड हूँ मैं रॉबिन हुड हु तो मेरे दस लोग जो नीचे हैं जिन जो मेरे अंधभक्त हैं वो भी कहना शुरू करेंगे और सार्वजनिक जीवन में जो मैं भी राजनीति करता हूँ मेरी माता जी राजनीति मेरे तो मुझे लगता है कि हर साल मेरी माता जी पच्चीस लड़कियों की शादी कराती हैं जो जो सक्षम नहीं है उन लोगों की शादी कराती हैं हर जो व्यक्ति गरीब है सक्षम नहीं है अक्षम है उसको खाने पीने के चीज़ों में उसके घर में शादी हो परोज हो दुआर हो पुछार हो सब किया जाता है तो ये हम लोग गाने तो जाते नहीं हैं हाँ गाते तब जब अपराधी होते क्योंकि हमें वो अपना पहलू दिखाना है कि भाई हम मसीहा यहाँ हैं हर सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक जीवन में व्यक्ति अक्षम व्यक्ति की मदद करता है क्योंकि यही समाज सेवा है अगर मुख्तार अंसारी को इतने ही बहुत कद्दावर नेता थे तो क्यों नहीं ये अजय राय को जो सपोर्ट किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जब ये चुनाव लड़ने आए थे बनारस से अजय राय ने बोल दिया कि हमें उनके समर्थन की जरूरत नहीं, नहीं है तो क्यों ऐसा किया लड़े होते चुनाव देखिए ये सब चीजें जो तार्किक है ये तर्क से हम और आप बैठ के एक एक चीज को पहलू को देखा जा सकता है जो सर्व सम्मानित नेता है वो कहीं से लड़ेगा गुजरात से चल के मोदी जी आके बनारस चुनाव लड़ते हैं और देखिए पिछली बार आप देखेंगे साढ़े चार लाख वोट से जीते आज इस बार का भी आने वाले समय में आप रिकॉर्ड देखिएगा रिकॉर्ड बहुतों से जीत होगी ये हमारी कृष्ण राय के परिवार से बातचीत थी हमारी कवरेज और हमारी बातचीत तो और हमारे आगे के प्लान इस पर जारी रहेंगे आप भी हमारे साथ बने रहिएगा बहुत बहुत शुक्रिया